नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक जैन है और वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक और नई साइट जिसका रॉ वीडियो हम बनाने वाले हैं और साइट पे काम क्या होगा वो दिखाने वाले हैं। तो मैं आया हूँ एलीट गोल्फ ग्रीन्स। यहाँ पर हमने एक नया प्रोजेक्ट रन किया है और ये फर्स्ट फ्लोर पे है। तो इस 4 BHK के अंदर हम क्या क्या करेंगे, क्या बिल्डर ने पोजीशन दिया और हम क्या बनाएंगे, वो सारी बातें करेंगे आज ही। आइए देखते हैं कि मेरे को आपको इस फ्लैट में क्या क्या दिखाना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे, आपने देखे थे कि एक फ्लोर पे यहाँ पर 4 फ्लैट हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इन्होंने इस तरीके से इसको डिफाइन किया है कि 2 लिफ्ट्स हैं और एलीट गोल्फ ग्रीन सेक्टर 79 में ये सोसाइटी एंड प्रॉपर्टी है। तो ये एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स दे रहे हैं इन बिगर साइजेस। तो ये ऑल ऑफ देम आर 4 BHKs। तो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं अपने अपार्टमेंट में। दिस इज द एंट्री। ये बिल्डर ने इनको एक बेसिक डोर बना के दिया है और यहाँ से मैंने एंटर किया अपने फ्लैट में। ये एरिया है पहले। अच्छा, बिफोर एंट्रिंग आपको बता दूं कि यहाँ पर एक सर्वेंट रूम भी है जिसको हम स्टोर की तरह यूज़ करने वाले हैं। उसके साथ क्या करेंगे अंदर बताऊंगा। तो यहाँ से वो एक्सेस है ये जीने की तरफ जाने के लिए और ये वो एक्सेस है सर्वेंट रूम और स्टोर का। आइए देखते हैं कि इस फ्लैट में क्या क्या है। तो यहाँ से हमने एंटर किया। मैं ऑलरेडी प्लान स्क्रीन पर लगा दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा इसका लेआउट कैसा है, एंट्री कैसी है। एक छोटा सा फॉयर एरिया बनता है इसके अंदर, पर ये बहुत बड़ा नहीं है। तो ये छोटे से फॉयर एरिया के बाद आप जैसे आप टर्न करते हो अभी प्लान पे देखोगे, हम अपने लिविंग रूम डाइनिंग रूम स्पेस में आ जाते हैं। और ये देखिए कौन मिला हमें। नमस्कार सलमान, क्या हाल है दोस्तों। ये मेरा दोस्त और मेरा सुपरस्टार साइट मैनेजर सलमान, इंट्रोड्यूस कर ले। नमस्कार, मेरा नाम सलमान, मैं वुडूफा से साइट मैनेजर और मैं वुडूफा के लिए काम करता हूँ। और यहाँ पे जो भी काम होते हैं जैसे फ्लोर प्रोटेक्शन हुई, एडजस्टिंग फर्नीचर हुआ, उनको सबको कवर करा के हम काम करते हैं। जो भी हमारा वुडूफा की तरफ से जो डिज़ाइनर हमें डिज़ाइन देते हैं, मैं उन डिज़ाइनरों के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट कराता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो गाइज मैं एक और बात बता दूं, आपने पहले वीडियो में सुशील को तो देखा होगा, सलमान भी हमारा सुपरस्टार है और ये काफ़ी सालों से हमारे साथ है। और हम सारी साइट्स में पहले भी बोलता हूँ, डिज़ाइनर डिज़ाइन बना देगा पर उसको एग्जीक्यूट कराने की जो जिम्मेदारी है ना, वो एक बहुत ज़रूरी और बड़ी जिम्मेदारी साइट मैनेजर की होती है। खाली किताबों पर डिज़ाइन नहीं बनते, जब तक ज़मीन पर वो डिज़ाइन एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक वो आपको घर वैसा नहीं दिखता जैसा हम दिखाने वाले हैं। तो आज हम इस सब घर के बारे में बात करेंगे। इस घर में हम क्या क्या करने वाले हैं वो बात करेंगे, हमने चेंजेस किए वो बात करेंगे। डिजाइन क्योंकि इसका लगभग हो चुका है तो हमें ये पता है कि किस दीवार पे क्या आने वाला है। तो अगेन ये एक सीरीज की तरह चलेगा जिसके अंदर हम 5 या 6 वीडियोस बनाएंगे। आज हमने रॉ साइट का एक वीडियो बनाया है। ऐसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे हम इसकी वीडियोस भी बनाएंगे आप ही लोगों के लिए। आइए देखते हैं स्टोर के साथ हमने क्या किया। तो आपको याद होगा तो यहां से हमने एंट्री की थी, तो ये वो फॉयर एरिया था। तो ये ना डेड स्पेस है, ये कोई यूज़ नहीं होने वाली और इस स्पेस का कोई काम भी नहीं है। तो हमने क्या सोचा, ये पीछे स्टोर है जो कि सर्वेंट रूम भी है, हम यहाँ से ना इसका एक दरवाज़ा निकाल देते हैं। अगर ये दरवाज़ा निकाल दें और इसकी पैनलिंग कर दें तो ये छुप जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि हिडन डोर है। तो हमारा पर्पस है कि हिडन डोर बना देना, उस हिडन डोर को एज अ स्टोर यूज किया जा सकता है और यहाँ पर एक एक्सेस भी मिल सकता है। तो हम जो भी कुछ थोड़ा फोड़ी करते हैं बिल्डर की मेंटेनेंस टीम से, डिपार्टमेंट से डिस्कस करके, उनसे अप्रूवल लेके ही करते हैं। हमें लगता है कि कोई भी स्ट्रक्चर का चेंज ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि हम खुद आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स हैं तो हमें समझ में आता है कि वो नहीं करें। ये इनका एक कॉमन वॉशरूम है एंट्री करते ही, और ये एक बेडरूम है यहाँ से जैसे हमने एंट्री किया सामने ही। तो ये जो वॉशरूम और बेडरूम है ये गेस्ट बेडरूम है, और जो ये वॉशरूम है कॉमन एंड गेस्ट बाथरूम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्डर ने इसमें क्या क्या करके दिया है। तो जैसे आप इसमें एंटर करते हो तो आपको एक ये वैनिटी बनी हुई है उन्होंने, बिल्डर ने आपको दी है यहाँ पर बना के। एक WC है, यहाँ पर गीज़र के पॉइंट्स हैं, फिटिंग्स इन्होंने सारी जैगवार की लगाई हैं, और जो सीट्स हैं वो सारी हिंदवेयर की हैं। तो इसमें बेसिक तरीके से इन्होंने इसके पीछे यहाँ पर बेथिंग एरिया दिया है। तो ये बेथिंग एरिया है, यहाँ पर जैगवार की फिटिंग्स हैं, ये वेट एरिया है और वहाँ सब ड्राई एरिया है। क्योंकि थोड़ा बाथरूम छोटा है तो यहाँ बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, तो बिल्डर ने अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करी है। तो ये हो गया कॉमन बाथरूम कम गेस्ट बाथरूम। अब मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ कि गेस्ट बेडरूम की और स्पेस कैसी है, आप मेरे प्लान में देख सकते हो। तो हम पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो बेडरूम है वो ये गेस्ट बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर हम क्या क्या करेंगे अभी हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं।
आओ यहाँ से एंटर करते हैं। तो ये हमारा गेस्ट बेडरूम है, आप ये देख सकते हैं। एंट्री करते ही यहाँ पर एक पीछे वॉल है और एक अलमीरा है, बिल्डर ने ये अलमीरा बना के दी है इनको। तो मेरा हमेशा मानना है जो भी चीज़ बिल्डर दे अगर बिल्कुल खराब ना हो तो उसको रीयूज़ कर लिया जाए, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट अगेन एंड अगेन। पर कई बारी फिर भी सामान जब खराब होता है अच्छा नहीं होता तो हम बोलते हैं कि शटर्स चेंज कर लें। यहाँ पर शटर्स ठीक हैं, इन्होंने पी यू फिनिश में शटर्स बना के दिए हुए हैं। मुझे लगता है पहले एक सैम्पल फ्लैट हुआ करता था ये, तो बिल्डर ने अपने सैम्पल फ्लैट के हिसाब से इसको बनाया, पर मेरे क्लाइंट को थोड़ा एडेड एडवांटेज मिल गया एज इट इज़ वो यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये एक अलमीरा है जो कि हम यूज़ करेंगे एज इट इज़, और इसके अंदर थोड़ा बहुत एक्सेसरी का काम हम करेंगे, थोड़ी एक्सेसरीज को हम डालेंगे। इन्होंने बेसिक ड्रॉर्स, बेसिक शेल्फ्स और एक सिंपल हैंगिंग के लिए यहाँ जगह दी है। उसके बाद जो ये वाली वॉल है, अब ये तो बालकनी का एक्सेस है, यहाँ से बालकनी जा सकते हैं। इसमें एक दरवाज़ा फिक्स है और एक दरवाज़ा स्लाइडिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप अगर ये देखेंगे बहुत अच्छी बहुत बड़ी बालकनी है इस रूम के साथ जो कि लिविंग रूम को भी कनेक्ट कर रही है। Elite Golf Green is not a very bad builder, अच्छा builder है और ये ठीक ठाक projects अपने execute करके देते हैं। तो पहले भी इनके कुछ projects हैं नोएडा में वो भी ठीक हैं। Elite Golf Green जो है सेक्टर 79 का project है, इनका ये थोड़ा प्रीमियम लग्जरी project है और ये इसमें अच्छी चीज़ें और अच्छे materials ही लगा के दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये इनका गेस्ट बेडरूम है, तो हमने इनको बोला है कि एक छोटा बेड लगा लीजिए। यहाँ पर एक 5x6 का हम बेड लगाने का प्लान कर रहे हैं। पर्पज़ क्या है, जगह मेरे पास तभी भी है, पर छोटा बेड होगा तो कमरा थोड़ा बड़ा दिखेगा, उनके यहाँ ज़्यादा गेस्ट आते नहीं हैं, तो व्हाट दे वांट कि कभी कभार जब गेस्ट आए तो उनको बैठने की जगह या लेटने की जगह सही से मिल जाए। यहाँ पर हमने उनको प्लान करके बताया है कि कुछ एक अच्छी सी कॉफ़ी टेबल या हो सकता है एक फ्लावर वास या एक हैंगिंग लाइट या एक फ्लोर लैम्प लगा दें। अभी डिज़ाइन में वो डिस्कशन चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी डिज़ाइनर है एंड शी इज़ पुशिंग वेरी हार्ड कि घर अच्छा बन जाए। जब घर अच्छा बनता है तो तहे दिल से जितनी तसल्ली हमें होती है उतनी तसल्ली आपको एज अ क्लाइंट भी होती है घर में घुसने के लिए। होता पता क्या है, जितना घर आपका इंपॉर्टेंट है ना उतना ही घर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने भी इसमें बहुत मेहनत डिज़ाइन एग्जीक्यूशन और डिलीवरी की लगाई होती है कि हम चाहते हैं अच्छा घर ही बन के आए। तो ये बेड के सामने यहाँ टीवी यूनिट है, तो बिल्डर ने कुछ पॉइंट्स यहाँ बना के उनको दिए हैं। होपफुली हम ये पॉइंट्स को एज इट इज़ रखेंगे, छेड़ाखानी नहीं करेंगे। आइडिया क्या है कि जितना कम से कम तोड़फोड़ हो उतना अच्छा है, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि हमें कुछ पॉइंट्स एड ऑन करने ही पड़ते हैं या कुछ पॉइंट्स बढ़ाने ही पड़ते हैं, तो वो पॉइंट्स को हम अपने आप अपने इलेक्ट्रिशियन से करवा लेंगे। तो यहाँ पर हम एक टीवी यूनिट की प्लानिंग कर रहे हैं और एक बेड की प्लानिंग कर रहे हैं। बेड के पीछे कुछ थोड़ा पैनलिंग या थोड़ा सा वॉलपेपर का काम करेंगे थोड़ी लुक एंड फील को एनहांस करने के लिए, पर ये रूम को रखेंगे लाइट ही, इस रूम में भरेंगे नहीं बहुत कुछ, उनका रिक्वायरमेंट भी नहीं और हम भरने भी नहीं वाले। आइए देखते हैं आगे क्या है इस घर में। तो यहाँ से इसका मेन स्विच बोर्ड है, यहाँ से लाइट्स ऑन एंड ऑफ हो जाती हैं। ये इनके घर का मेन स्विच बोर्ड है, तो यहाँ से लिविंग रूम ड्राइंग रूम की एंट्री करते ही लाइट्स ऑन एंड ऑफ हो जाती हैं। तो अब जब हम फॉल सीलिंग इन्होंने ऑलरेडी करके दी है बिल्डर ने, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है पर थोड़ी हाइट है, पर हम इसको तोड़ेंगे नहीं। हमारा पर्पस क्या है कि इसी फॉल सीलिंग को यूज़ कर लें और कैसे इसको इन्हांस कर लें अच्छे से। आइए तो अब हम लिविंग रूम की स्पेस में आ जाते हैं। तो अब ये लिविंग रूम है इनका और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्पेस है, तो उनकी रिक्वायरमेंट एक 4-सीटर सोफ़ा की थी और यहाँ पर एक 4-सीटर सोफ़ा विद एम्पल अमाउंट ऑफ सीटिंग बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था। तो पहले हमने कई बार सोचा कि सोफ़ा को यहाँ लगाएं, वॉल को थोड़ा पार्टीशन से एक्सटेंड करें, जैसे कि ये ऑलरेडी बिल्डर ने एज अ टीवी यूनिट की वॉल दी है, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर टीवी यूनिट की पोजीशन को स्वैप करके यहाँ पर सोफ़ा लगा दें और यहाँ पर एक छोटा सा पार्टीशन लगा दें इनहांस करने के लिए। पर हमें लगा कि ये ना कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बेफजूल में पॉइंट्स भी चेंज करने पड़ेंगे एंड ऑल्सो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से लुक एंड फील भी ठीक नहीं आ रही। तो अगर हम इसको टर्न करते हैं तो बिल्डर ने इनको सोफ़ा लगाने के लिए ये दीवार दी थी, मेन सोफ़ा बैक वॉल है, तो हमने सोचा इसी को बैक वॉल को पैनलिंग कर लेंगे, थोड़ा मिरर का काम करेंगे, थोड़ी बैक की पैनलिंग करेंगे और थोड़ा सा आर्ट पीसेस डेकोर के पीसेस डाल देंगे। तो ये सोचा कि यहाँ पर एक 4-सीटर सोफ़ा आ जाएगा विद एल काउंटर। तो अगर ये एल है और ये डे लाउंजर की तरह काम करेगा तो इनको दो फायदे हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है तो बाहर का व्यू तो अच्छा है यही और पीछे से दिखता भी है। तो ये एक सोफ़ा हो गया
सोफे के साथ यहाँ पर एक टू सीटर या एल काउंटर, इसका एल वाला सोफा का एक्सटेंशन आम हो गया, और यहाँ पर मे भी दो चेयर्स लगाई जा सकती हैं। दो चेयर्स लगाते ही ये फ्लैट थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा। पीछे वाली वॉल पे या तो कंसोल लगा सकते हैं या फिर वॉल आर्ट या कुछ वॉल पैनल भी किया जा सकता है। अभी हमारा थॉट ऑफ डिज़ाइन चल रहा है इसके ऊपर, तो हमारे डिज़ाइनर्स काफ़ी चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट को, अभी वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है, तो लेट अस सी क्या बनता है। प्रपोजल्स कई सारे हैं, ये बहुत बड़ी दीवार है, एंट्री करते ही बड़ी दीवार दिखने वाली है, तो इस दीवार को अच्छा कैसे बनाएं ये हमारा इंटेंट है, तो उसी की प्लानिंग यहाँ हम कर रहे हैं। तो ओवरऑल लिविंग रूम की स्पेस देखूं तो अच्छा खासा लिविंग रूम है, नेट दो सेंटर टेबल्स या नेस्टेड टेबल्स आ सकती हैं यहाँ पर, ऊपर से फैंस के बीच में एक सिंगल पॉइंट शैंडलियर या सिंगल पॉइंट पेंडेंट लाइट भी आ सकती है, बाकी फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस भी ठीक हैं और इनको भी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप इसका नेट रिव्यू देखें तो ओवरऑल स्पेस ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम डाइनिंग की स्पेस में आ गए। अब ये ना डाइनिंग एरिया है, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो है कि डाइनिंग टेबल आए क्योंकि यहाँ पर किचन है, आप प्लान में देख सकते हैं। इस तरफ ना हम एक क्रॉकरी यूनिट और एक पूजा स्पेस भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, यहाँ पर पूजा का स्पेस प्लान किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा कि यहाँ पर हम पूजा बनाएं स्पेस और यहाँ पर एक क्रॉकरी यूनिट का बुफे काउंटर बना दें। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये स्पेस एज अ काउंटर यूनिट भी यूज़ हो जाएगा और उसके बाद जो जगह बचेगी वो यहाँ पर एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ कर सकते हो, और मे बी एक ऊपर से शैंडलियर लगाना है या एक हैंगिंग लाइट लगानी है वो भी यूज़ की जा सकती है। तो गाइज अभी तक मैं आपको क्रॉकरी यूनिट और पूजा यूनिट के बारे में बता रहा था, ये डाइनिंग स्पेस है, ये डाइनिंग की सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल के लिए हमने स्पेस यहाँ पर इनको बना के दिया है मेरी टीम ने। उसके बाद ऊपर एक शैंडलियर लगाएंगे और जो एक कोने की दीवार बच जाती है, अब आप सोचो इसका हम क्या कर रहे हैं। इसका हमने बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्नर गैलरी सोची है यहाँ पर, और हमने सोचा है कि यहाँ पर ना उनकी ट्रैवल पिक्चर्स, उनकी वर्ल्ड गैलरी या ट्रैवल गैलरी बनाएं। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, खुद के लिए, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई डाइनिंग पे बैठा है, वो छोटी छोटी स्वीट मेमोरीज जो आपको याद आनी चाहिए देखने के बाद, तो आप वो देख सकते हैं इस पीछे वाली वॉल पे। तो ये हमने यहाँ पर प्लान किया है। अब मैं आपको घर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और हर लेडी की जान किचन बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एलीट ने, क्योंकि ये सैम्पल फ्लैट था तो ये पूरी किचन विद द इक्विपमेंट्स उनको दे दी है, तो एज इट इज़ वो किचन यूज़ करेंगे विदाउट एनी ऑल्टरेशन। हम इसमें कुछ भी ऑल्टर नहीं कर रहे एक्सेप्ट फ्यू अदर एलिमेंट्स। तो अब ये पैरेलल शेप किचन है, तो यहाँ पर एक फ्रिज की जगह है, तो एक इनका 7 feet हाइट का डबल डोर फ्रिज आ जाएगा। साथ में ये बिल्ट इन माइक्रोवेव एंड बिल्ट इन ओवन की यूनिट है, तो यहाँ पर बिल्ट इन यूनिट्स ये लग जाएंगे, ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये एक पैट्री है, तो ये पैट्री उन्होंने बनाई है फॉर अक्सर आप देखते हो हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हम यूज़ करते हैं इसको, या तो एसएस पैंट्री के फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है या फिर यहाँ पर एक वुडन पैंट्री के फॉर्मेट में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट ये चलता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको स्पेस दिया है, ये लिफ्टअप्स दिए हैं, ये ग्लास लिफ्टअप हैं, हम अक्सर आप देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं, तो ये बिल्डर ने भी उनको एक लगा के दिए आए, एक लिफ्टअप और एक सॉलिड शटर है ऊपर। ये कॉर्नर शटर है, यहाँ पर साइड शटर है, ये भी अच्छा है। तो स्टोरेज के लिए किचन कंप्लीट है, किचन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे दिखती है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। हाँ ये ज़रूर है कि फिटिंग्स थोड़ी प्लस माइनस हैं वो, जो कि की जा सकती थी बाद में, बट थोड़ी सी फिटिंग्स के लिए हम पूरा किचन क्यों ख़राब करें, मुझे लगता है उसमें तो कोई समझदारी नहीं है। तो ये एक एक्सेसरी ड्रॉर है, कटलरी ड्रॉर है, हॉब के नीचे आई है, तो ये यूज़ करी जाएगी। ये आप देखते हैं प्लेट रखने के लिए, भिगोने रखने के लिए, हमारे इंडियन कुकिंग में बहुत सारा सामान होता है जो कि आप यहाँ रख सकते हैं, और ये एक शटर है जो कि अंदर इसमें बड़ा बड़ा सामान भी आप रख सकते हैं। तो ये उसके चिमनी के साथ एक अपना डबल लिफ्टअप है, उसके साथ अगेन सिमेट्रिकली शटर है। इन्होंने एक्सेसरीज यहाँ पर कोई तो एक कंपनी है उसकी यूज़ करी है, हम लोग जनरली जर्मन एक्सेसरीज हेटे के हाफले यूज़ करते हैं। तो जो ऊपर चिमनी का कवर पाइप है हम इसको भी कवर कर देंगे और ऊपर एक यूनिट बना के इसको भी कम्प्लीटली पैक कर देंगे। इन्होंने जो इसके ऊपर ये टॉप पे पत्थर लगाया है, सिंगल मोल्डिंग के फॉर्मेट में लगाया गया है, और ये ग्रेनाइट स्टोन है और उसके पीछे टाइल्स हैं, दिस इज टाइल्स एंड दिस इज द ग्रेनाइट स्टोन। अब आपको मैं किचन का दूसरी साइड दिखाता हूँ। किचन थोड़ी सी छोटी है इन टर्म्स ऑफ साइज बट विच इज़ ओके। यहाँ पर एक डबल बोल सिंक है हिंदवेयर का, जैगवार का टैप है, और नीचे इसका अपना एक डस्ट रैक और एक डस्टबिन रैक भी है। तो ये सिंक के नीचे की जगह है,
ये ऊपर का शटर है, इसके ऊपर एक जीटीबीटी का उन्होंने एक प्रोविजन बना के दिया है कि यहाँ पर अपनी प्लेट्स या गीले बर्तन वगैरह रख सकते हैं। तो गाइस अब इसके बाहर जो स्पेस है ये बालकनी की स्पेस है जो कि ड्राइंग रूम की बालकनी को कनेक्ट करती है। तो आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप देखिए ये किचन के बाहर का स्पेस है, तो आप इसको थोड़ा यूटिलिटी की तरह, थोड़ा वॉशिंग के लिए, थोड़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं किचन के बाहर। और ये पूरी हमारा जो पीछे लिविंग रूम था अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, तो ये उसकी स्पेस है। तो आपको ये पूरी बड़ी बालकनी मिलती है, ये इनका व्यू है आप देख सकते हैं। तो ये कुछ गार्डन है, कुछ यहाँ पर थोड़े इन्होंने पैरागोलर्स गजीबोस बनाए हैं, सामने उनका क्लब हाउस है और ये इनके टावर्स हैं। मैंने जैसे कि बताया एलीट ने अपने इसको एक प्रीमियम लग्जरी सुपर मीडियम सेगमेंट के लिए लॉन्च किया है और वो चाहते हैं कि इसमें अच्छी जेंट्री और अच्छे लोग रहें आके। दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली इस घर के बारे में, लिविंग रूम की, किचन की, गेस्ट बेडरूम की, फायर की। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टडी रूम। इनके बहुत छोटे छोटे दो बच्चे हैं, दे हैव ब्यूटीफुल डॉटर्स, तो उनके लिए वो एक स्टडी रूम बना रहे हैं। सो ये आप प्लान में देख सकते हो, ये एक रूम है जो कि एक स्टडी रूम की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ये इसका बाथरूम है। इसमें हमने क्या सोचा है, इस रूम में कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक स्टडी टेबल डालेंगे पूरी बड़ी, इस दीवार से लेके इस दीवार तक पूरे पॉइंट पे स्टडी टेबल आएगी। उनकी एक लाइब्रेरी आएगी, वो क्या चाहते थे कि हमारी ना एक लाइब्रेरी बन जाए, थोड़ी सी बुक्स रखने की जगह बन जाए, थोड़ा बैठने की, बुक पढ़ने की जगह बन जाए। तो हम पूरी स्पेसेस, पूरी वॉल को बना रहे हैं। तो जैसे कि आप एक प्रोफेशनल लाइब्रेरी में देखते हैं वैसे ही यहाँ पर एक स्टडी कम लाइब्रेरी आपको दिखेगी। उसके बाद ये वाली जो वॉल है इसके ऊपर हम कुछ अच्छा सा डेकोर करेंगे, मे बी कुछ साइकिल टांगेंगे, मे बी उनके कुछ स्केचर शूज रखेंगे, इसको वॉल डेकोर की तरह ही डेकोरेट करेंगे, कुछ हैवी नहीं करेंगे। ये वाली अलमीरा है, ये सौरभ की एक विंटर वार्डरोब है, वो चाहते हैं कि अपनी विंटर के सारे कपड़े इसमें रख दें, बाकी सारे वार्डरोब्स तो मैम की हैं। तो ये वाली वार्डरोब्स एज ऑलवेज हम हस्बैंड्स को छोटा मोटा कुछ तो कहीं पर कोने में जगह दे दी जाती है, तो वो ये जगह है जो हमें मिल रही है। इस रूम का ये बाथरूम है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है बट ये कनेक्टेड बाथरूम है पीछे वाले रूम से भी। पर्पस क्या है इस बाथरूम का, कि इस वाले कमरे को भी मिल जाए एक्सेस और उस वाले कमरे को भी मिल जाए एक्सेस। तो पीछे जो इसका कमरा है वो किड्स बेडरूम है जो उनके बच्चों के लिए, ये स्टडी है। और मैं आपको दिखाता हूँ किड्स बेडरूम कैसे है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब मैं पैसेज में जा रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पीछे बिल्कुल मास्टर बेडरूम है और जो मेरे लेफ्ट में ये किड्स बेडरूम है, ये पूरा एक पैसेज है। अब अगर आप किड्स बेडरूम को देखें, किड्स बेडरूम के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है ऑलरेडी। इधर देखिए आप इधर आइए, देखिए मेरा हाथ देखिए। तो यहाँ पर ना आपको एक कॉलम की स्पेस दिख रही है। जब भी कोई कॉलम की स्पेस कमरे के अंदर आती है ना, तो वो थोड़ा डिसएडवांटेज तो हो ही जाता है डिज़ाइन में, क्योंकि प्लेन वॉल्स नहीं हो पाती। हमने क्या सोचा है, इसके लिए ना हम एक नीच बना दें। अगर हम इस पूरे कॉलम को एक नीच की तरह ट्रीट करें और बीच में बच्चों का बेड डाल दें तो बहुत ही सही रहेगा। तो यही डिज़ाइन हमने प्रपोज करा है उनके लिए, बाकी देखो क्या बनता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर नीच बन जाए, इधर इधर कॉलम रहे, कॉलम को थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर दें और बीच में सेंटर में बेड डाल दें बच्चों के लिए। एक तो प्लान ये है, ये एक बच्चों की वार्डरोब है जो कि इन्हें मिली है। ये वार्डरोब ज़्यादा बड़ी नहीं है पर हाँ ठीक है, ओवरऑल कैपेसिटी के पर्पज से ठीक है कि एक वार्डरोब है और उसको कुछ तो अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। उनको एक और वार्डरोब चाहिए इस कमरे में, तो हमने क्या प्रपोज किया है कि आप आइए मेरे साथ, मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको। एंट्री करी आपने यहाँ से, तो एंट्री करने के बाद जो जगह बच रही है ना, तो हम यहाँ सोच रहे हैं एक वार्डरोब डाल दें। अब उनको एक स्टडी और चाहिए क्योंकि दो बच्चे हैं वहाँ पर, दोनों बच्चे एक साथ नहीं पढ़ेंगे, तो एक स्टडी हो सकता है हम इस वार्डरोब के साथ डाल दें, एक वार्डरोब बनाएं और साथ में थोड़ी सी जगह में स्टडी भी ले लें, तो भी एक अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। सामने की दीवार हम इसको खाली रखना चाहते हैं, हमने बोला कि आप बीन बैग रख लीजिए, आप छोटा मोटा कोई वैसे सामान रख लीजिए जो इस दीवार को भरे नहीं बहुत ज़्यादा और अच्छा भी लगे। तो ये प्रपोजल है इस कमरे का। यहाँ से बालकनी का एक्सेस है जाने का, ये बालकनी एक सेपरेट बालकनी, अगर आप देखेंगे तो ये बालकनी और जो स्टडी रूम की बालकनी ये कनेक्टेड है आपस में। अगेन ये इंटरनल एक्सेस है जो मैंने अभी दिखाया था, तो ये दिख रहा है यहाँ पर। गाइज अब यहाँ के तीनों बेडरूम्स और सारे स्पेसेस खत्म हो गए हैं घर के। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मास्टर बेडरूम में। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मास्टर बेडरूम एक स्पेशल बेडरूम होता है और हमेशा घर में वो एक अपनी स्पेस क्रिएट करता है। हमने यहाँ पर भी मास्टर बेडरूम को सुपरस्टार तरीके से डिज़ाइन किया है और सोचा है कि उसमें इतनी अच्छी लग्जरी और लैविशनेस डाल दें कि लोगों को फील बहुत अच्छा है।
तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने मास्टर बेडरूम में क्या किया है। कम ऑन, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ फटाफट। तो गाइज ये एक मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी स्पेस बड़ी है, बालकनी इसके साथ अपनी एक छोटी सी बालकनी उन्होंने दी है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेस है जाने का। तो ये रूम थोड़ा बड़ा है, मैंने सोचा है कि डिज़ाइनर जी मेरे बोल रहे थे कि सर इस रूम में हम कुछ नहीं डालेंगे, केवल एक बेड डालेंगे। कुछ नहीं मतलब कुछ तो डालेंगे, पर बेड डालेंगे ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं डालेंगे बेड डालेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा सा किंग साइज बेड रखेंगे, साइड में एक ड्रेसर यूनिट रखेंगे इधर, उस ड्रेसर यूनिट के साथ एक चेयर और कुछ कुछ वॉल का डेकोर इस वॉल पे डालेंगे। ये कॉर्नर की वॉल है, एक कॉर्नर का यूनिट इस तरीके से डालें कि वो बेड पे भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो यहाँ पर ये वार्डरोब के साथ एक यहाँ अपना एक ड्रेसर यूनिट हो गया, यहाँ पर अपना एक बेड हो गया, और बेड के बाद अगर जगह बचती है जो कि बचने वाली है, हमने उनको प्रपोज किया था कि यहाँ पर ना आप एक एक्स्ट्रा काइंड ऑफ स्टडी ले लो, क्योंकि क्या होता है कई बार वहाँ स्टडी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े भी होंगे और आपको वर्क फ्रॉम होम करना है आप नहीं कर पा रहे हो, या वाइफ को कुछ काम करना है आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी अपनी पर्सनल स्पेस है। बैठने की जगह रूम में डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बालकनी बहुत बड़ी बड़ी है, और अगर बालकनीज में भी आपने अपनी स्पेस चेयर बना ली तो आई मीन दैट इज़ इनफ। उसके बाद ये एक जगह है, यहाँ पर एक ऑलरेडी इनको वार्डरोब मिली है, तो इस रूम में दो वार्डरोब्स हैं, मैंने और वार्डरोब्स के लिए मना कर दिए, तो हमारे डिज़ाइनर्स भी बोल रहे हैं कि नहीं सर और वार्डरोब नहीं डालेंगे, और क्लाइंट को भी हमने समझा दिया है, तो ऑलरेडी ये एक और एक दो वार्डरोब्स हैं जो कि बहुत है, इनफ है। बाकी तो आप समझते ही हैं हम इंडिया में स्टोरेज की कोई कमी नहीं है, जितनी मर्जी दे दो पूरा घर भी स्टोरेज दे दो तो भी कम है, अक्सर बोलता हूँ मैं। आ जाओ, तो ये इनका एक मास्टर बाथरूम है, ये टाइल्स लगी हुई हैं यहाँ पर और ऊपर ग्रिड सीलिंग हुई हुई है, जैगुआर की फिटिंग्स हैं और रेडॉन की इन्होंने वैनिटीज यूज़ करी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये वेट एरिया है, कल को थोड़ा पार्टीशन डालना है तो डाला जा सकता है, ये ड्राई स्पेस है तो ड्राई स्पेस के अंदर थोड़ा सा पानी का काम कम होता है, वेट स्पेस के अंदर पानी का काम ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से इस बाथरूम को इन्होंने डिज़ाइन किया, हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे और ओवरऑल बाथरूम को ऐसे ही छोड़ देंगे जी। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने अपना पूरा होम टूर ख़त्म कर लिया है, ये रॉ टूर था और इसमें हमने घर में खूब सारी बातें करी, कहाँ पर क्या डालने वाले हैं वो सारी बातें करी, और एक रॉ साइट, एक अच्छी साइट बिल्डर ने हमें कैसे दी हमने वो बात करी। तो इस साइट को अब एक्चुअली घर बनाने की जर्नी वुडोफा के साथ शुरू हुई है, और हमारे डिज़ाइनर्स और हमारे क्लाइंट्स बहुत ही एक्साइटेड हैं इसको डिलीवर करने के लिए। अब हमने क्या सोचा है, अगेन इसके भी हम मल्टीपल वीडियोज़ बनाएंगे, तो अभी एक वीडियो बनाया हमने रॉ साइट का, एक वीडियो बनाएंगे डिज़ाइन का, एक वीडियो बनाएंगे प्रोजेक्ट में काम होते वक्त का, और फिर वीडियोस बनाएंगे घर पे डिलीवरी करने के बाद का। आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड हैं, अगर आप एक्साइटेड हैं और इसके घर को बार बार देखना चाहते हैं कि कैसे बन के आया, तो इसकी प्लेलिस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, थोड़े दिन बाद देखिएगा आपको एक नया वीडियो मिलेगा ज़रूर। साइनिंग इट ऑफ, शशांक जैन फ्रॉम वुडोफा।